हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, दोनों में क्या अंतर होता है इसके बारे में। नाम सुनकर के आपको लग रहा होगा कि दोनों चीजें सेम है, बट ऐसा नहीं है। दोनों चीजें बिल्कुल ही अलग है और इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। बट उससे पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि इस तरह की वीडियो जब भी मैं डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, राइट? और दूसरी बात जो है वो ये है कि अगर आप असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको नोट्स बहुत ही आसानी से मिल जाएं जिनको पढ़ करके आप एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला पाओ, जो कि नोट्स जो है वो कॉमर्स की पाठशाला की रिसर्च टीम तैयार करती है, बहुत ही अच्छे नोट्स होते हैं, आप हमारे पास से उस परचेस कर सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है, आपको सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे ज्वाइन का बटन आपको दिखेगा। ज्वाइन वाले बटन से आपको बीकॉम के ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे आने के बाद आपको इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके आपको हमारे मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको व्हाट्सएप का एक ग्रुप का लिंक दिखेगा, जिसके ऊपर क्लिक करके जो हमारा एक्सक्लूसिव जो मेंबरशिप का जो ग्रुप बनाया गया है बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी इसमें? आपको 24/7 सपोर्ट मिलने वाला है हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट के थ्रू, है ना। हर एक तरह की सर्विसेज आपको जो है प्रोवाइड कराई जाएगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो असाइनमेंट सबमिशन हो, चाहे वो असाइनमेंट के मार्क्स आपको चेक करने हो, ग्रेड कार्ड आपको अपने चेक करने हो, किसी भी तरह की हेल्प अगर आपको चाहिए तो वो आपको हमारे चैनल के थ्रू प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही साथ आपको असाइनमेंट्स जो है जिस भी ईयर में आप हैं उस ईयर के असाइनमेंट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। साथ ही साथ आपको नोट्स मिलेंगे बहुत ही सस्ते दामों पर, एटलीस्ट 40% डिस्काउंट पे आपको जो है नोट्स मिल जाएंगे अगर आप मेंबर होते हैं तो। पर अगर आप मेंबर नहीं होते हैं स्टिल आप परचेस कर सकते हैं, बट इन दैट केस यू विल हैव टू पे द फुल अमाउंट, राइट? सो दिस इज द क्राइटेरिया। इसके अलावा ऑन डिमांड लेक्चर्स आप बनवा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप अगर मुझसे कहेंगे तो मैं उसके ऊपर स्पेशली कोई लेक्चर बना सकता हूं, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई हमारे मेंबरशिप प्लान के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आप स्टडी करेंगे। स्टडी करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि आप हमारे जो YouTube चैनल है इस पे जब आप आइए तो आने के बाद आपको इग्नू बीकॉम न्यू प्लेलिस्ट में जाकर के इग्नू बीकॉम न्यू का जो आपका आपको सेक्शन दिखेगा उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से पेज आपको खुल जाएगा जहां पे आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों के तीन प्लेलिस्ट जो है आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो भी प्लेलिस्ट आपको स्टडी करना होगा जिस भी ईयर में आप हो, है ना, उस वाले टॉपिक के ऊपर क्लिक करके आपको एक तरीके से सारी की सारी वीडियोस को वॉच कर लेना है, जिनको अगर आप देखेंगे तो एग्जामिनेशन में आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा मैं बहुत सारी चीजें अपनी वेबसाइट पे भी जल्दी डालने वाला हूँ, तो आप हमारे वेबसाइट पे भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है commerceepaathshala.blogspot.com। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां पे हमसे जुड़िए, जुड़ करके जो भी नोट्स आपको मैं अभी पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे वही सारी नोट्स आपको वहां पर भी मिल जाएंगी, जिनको आप ऑन द गो आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो कि होने वाला है हमारा वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस, ठीक है। तो void का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ लो। void का मतलब होता है empty, है ना, मतलब ऐसा कोई contract जो कि शुरू से ही exist नहीं करता उसे हम void contract कहेंगे। voidable contract, contract exist तो करता है लेकिन जब तक कि दूसरे वाला पार्टी exist तब तक करता है जब तक दूसरे वाला पार्टी उसमें एग्रीमेंट किया हुआ है कि ठीक है वो मानता है कि ये एग्रीमेंट जो है चल रहा है। अगर एक पार्टी भी वहां से मना कर देता है ना कि ये कॉन्ट्रैक्ट हम नहीं मानते तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल हो जाएगा, है ना। रिपुडिएटेड, यहाँ पे एक वर्ड आपको दिख रहा होगा, मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ बेस्ट रहेगा आपके लिए। सो इट इज वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, है ना। जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो शुरू से ही एक तरीके से वॉइड होता है, नल होता है, मतलब वो किसी काम का नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ नाम का होता है, वो किसी काम का नहीं होता है। इट रिमेन्स वैलिड, इट इज रिपुडिएटेड बाई एग्रीव्ड पार्टी, है ना। जो भी पार्टीज है जब तक कि उनके बीच में सहमति बनी हुई है आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। जैसे ही सहमति कटेगी आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड इफ एनी एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज मिसिंग, है ना। एक कॉन्ट्रैक्ट, है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड हम तभी बोलेंगे जब उसमें किसी भी तरह का जो एसेंशियल जो एलिमेंट होता है वो मिसिंग होता है। अगर किसी भी तरह का कोई एसेंशियल एलिमेंट एक तरीके से अगर वहां पे नहीं है, मिसिंग है, तो उस केस में उस कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड बोल देंगे, मतलब वो एम्प्टी, मतलब वो किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल है ना। और voidable contract में contract को voidable तब बोलेंगे if the consent of party is not free, अगर एक party का consent free नहीं है, अगर वो अपने खुद से decisions नहीं ले पा रहा है तो हम उसे voidable contract नहीं बोलेंगे। sometimes contract होता है कि जबरदस्ती साइन करवाया जाता है तो उस केस में उसे हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टीज है वो दोनों एक तरीके से कॉन्सेंट
के ऊपर उनका जो है सहमति नहीं बनी है, ठीक है ना। थर्ड नंबर है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, इट कैन नॉट बी इन्फोर्स बाई एनी पार्टी, है ना। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में आप जो कॉन्ट्रैक्ट है आप उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते हो किसी भी पार्टी के ऊपर, लेकिन voidable contract if the aggrieved party so decides the contract may contribute to be valid and enforceable, है ना। अगर aggrieved parties आपस में मिल जाती हैं, अगर उनको आपस में decide करती हैं, तो जो contract है वो valid भी हो सकता है और वो enforceable भी हो सकता है, लेकिन अगर दोनों पार्टी मानेंगी बात तो, ठीक है ना। चलो फोर्थ नंबर पॉइंट देख लेते हैं, जो कि है थर्ड पार्टी डज नॉट एक्वायर एनी राइट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में जो थर्ड पार्टी होती है उसके पास किसी भी तरह का कोई राइट नहीं होता है। वेयर एज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में एन इनोसेंट पार्टी इन गुड फेथ एंड फॉर कंसिडरेशन एक्वायर्स गुड टाइटल बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज अवॉइडेड, है ना। तो एक इनोसेंट पार्टी है जिसका गुड फेथ है, अच्छा कंसिडरेशन है, अगर वो अच्छा यू नो टाइटल एक्वायर कर लेती है बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज अवॉइडेड, मतलब कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड होने के पहले अगर वो चीज एक्वायर कर लेती है तो उसके पास कुछ राइट जो है वो आ जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कम्प्लीटली जैसे कि यहाँ पे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में बोला गया था कि कोई थर्ड पार्टी के पास कोई राइट नहीं होती, लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के पास वो राइट होती है जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड ना किया जाए, मतलब उसको एक तरीके से कैंसिल ना किया जाए, उसके पास राइट आ जाता है, ठीक है। लैप्स ऑफ टाइम विल मेक इट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट्स ऑलवेज रिमेन्स वॉइड, है ना। जो लैप्स ऑफ टाइम है, अगर टाइम लैप्स हो जाता है ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है एक तरीके से वैलिड हो जाएगा क्योंकि आपका टाइम लैप्स हुआ, आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना। लैप्स ऑफ टाइम विल नॉट मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी, ठीक है, इसको मैं ठीक तरीके से रीड नहीं कर पाया। लैप्स ऑफ टाइम विल नॉट मेक इट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अगर टाइम लैप्स हो जाता है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो जाएगा। इट ऑलवेज रिमेन्स वॉइड, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो कि वॉइड है, जहां पे कोई एलिमेंट मिसिंग है फिर भी आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ, तो वो शुरू से ही वॉइड है, वो शुरू से ही उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसमें टाइम का लैप्स होना या ना लैप्स होना का कोई महत्व नहीं है, टाइम अगर लैप्स हो भी जाता है तो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। जैसे कि सपोज आज मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया किसी के साथ, अब वो कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से चला नहीं चला कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ टाइम बाद मैंने देखा कि ये कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी प्रॉब्लम्स थी, है ना। मैंने जब क्वेश्चन किया तो पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट तो शुरू से ही वॉइड था, मतलब उसमें कुछ एलिमेंट मिसिंग था, तो कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही वॉइड था, ना मैं कुछ क्लेम कर पाऊंगा ना मैं कुछ और कर पाऊंगा। तो टाइम लैप्सिंग का यहाँ पे कुछ लेना देना है नहीं, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है तो वो वॉइड ही रहेगा, ठीक है ना। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इफ इट इज नॉट अवॉइडेड विद रीजनेबल टाइम, अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में अगर यहाँ पे उसको रीजनेबल टाइम नहीं दिया गया, अगर नहीं प्रोवाइड किया गया, तो वो वैलिड जो है वो हो सकता है, ठीक है ना। सो दीज आर द फाइव पॉइंट्स, देयर आर वन मोर पॉइंट, क्वेश्चन ऑफ डैमेजेस डज नॉट अराइज, ठीक है ना। क्वेश्चन ऑफ डैमेज जो है वो अराइज नहीं होता वॉइडेबल वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के क्षेत्र में, क्योंकि भाई वॉइड तो वो शुरू से है, वो किसी काम का नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही कैंसिल है, वो कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही नल है, लेकिन फिर भी अगर आप बोले हो कि इसमें डैमेज हुआ है तो वो बात एक्सेप्टेबल नहीं होगी, क्योंकि जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती उसमें डैमेज कैसे हो सकता है ना। द एग्रीव्ड पार्टी कैन ऑल्सो क्लेम डैमेजेस, लेकिन इस केस में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट केस में जो एग्रीव्ड पार्टी होगी वो डैमेज क्लेम कर सकती है, क्योंकि ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, जब तक कि वॉइड ना हो जाए तब तक वो वॉइडेबल होता है ना। जब तक कि पार्टी आपस में मिलकर उसको कैंसिल ना कर दे वो वॉइडेबल होता है, ठीक है, लेकिन वॉइड नहीं होता, वॉइड मतलब शुरू से ही कैंसिल है ना। तो जब वॉइडेबल एक सर्टेन सर्कमस्टेंसेस पे होगा तो डेफिनेटली वहां पे आप डैमेजेस भी क्लेम कर पाओगे, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही वॉइड है वहां पे आप किसी भी तरह का डैमेज आप क्लेम नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो दीज आर द सिक्स डिफरेंसेस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलता है अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।